कांग्रेस हाईकमान पंजाब में अभी नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं कर पाया, लेकिन उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शनिवार को वो सुल्तानपुर लोधी पहुंचे। यहां पूर्व विधायक नवतेज सिंह चीमा के वे इनक्लेव स्थित आवास पर सिद्धू ने मौजूदा और पूर्व विधायकों के साथ बंद कमरे में अहम बैठक की। बंद कमरे में हुई बैठक में किस मुद्दे पर गहन मंथन हुआ है, इसके बारे में सिद्धू ने मीडिया के सामने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि पंजाब दी हक दी सच दी लड़ाई नेक नियति नाल लड़ेंगे। वहीं कपूरथला के दो मौजूदा विधायक इस बैठक में मौजूद रहे, जबकि कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह बैठक में नजर नहीं आए। मंथन के बाद नवजोत सिंह सिद्धू गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में नतमस्तक हुए। जानकार मानते हैं कि सिद्धू का ऐसे कांग्रेस दिग्गजों के साथ बैठक करना पंजाब कांग्रेस में आगामी दिनों में एक नए सूर्य के उदय की आहट हो सकती है। सुल्तानपुर लोधी में नवतेज सिंह चीमा के आवास पहुंचने के बाद तमाम विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ सिद्धू ने फोटो भी खिंचवाई। जब मीडिया ने सिद्धू से सवाल किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो साझा कर लिखा, पंजाब दी हक सच दी लड़ाई नेक नियति ते ईमानदारी नाल लड़ांगे, मगर सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा और सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया के अलावा कपूरथला विधायक राणा गुरजीत सिंह नहीं दिखे। पंजाब कांग्रेस में अलग गुट है, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी इसी गुट का माना जाता है। इस बैठक को इस लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की अहम बैठक है। अन्य राज्यों के साथ पंजाब में पार्टी नेतृत्व का परिवर्तन होने की संभावना है। सिद्धू की इस बैठक को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान जल्द ही अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगा। सुखपाल खैरा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा इस पद की दौड़ में हैं। इन्हीं से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान मिल सकती है। बाकी दिल्ली दरबार का फैसला ही सर्वमान्य होगा।